एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, चीनी नौसेना के बेड़े में एक नई सबमरीन शामिल। ईस्टर्न थिएटर कमान के बेड़े में शामिल हो यह सबमरीन, बेहद आधुनिक है चीनी नौसेना की ये नई सबमरीन। डीजल से संचालित होती है ये ईस्टर्न थिएटर में शामिल हुई सबमरीन। ये लगातार सबमरीन क्यों बढ़ा रहा है शाम से, जबकि उसके पास ऑलरेडी हथियार हैं अपने सबमरीन से। अच्छा सवाल है और मैं थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूंगा। देखिए ताइवान पे 70 सालों पे वो अटैक क्यों नहीं कर पाया, इसका एक मेन रीजन है कि ताइवान एक आइलैंड है और आइलैंड के चारों तरफ एक टेरिटोरियल वाटर होती है जो 12 नॉटिकल माइल की होती है, जो उनका सोवरेन लैंड माना जाता है। उसके बाहर आप सुनिए जरा, 12 माइल के बाहर किसी भी विश्व का कोई भी जंगी जहाज या कोई भी एयरक्राफ्ट उस एरिया में जा सकता है नोटिफिकेशन के साथ। और हमारे एरिया में भी लगातार, इसीलिए इंडियन ओशन में लगातार वॉरशिप्स दूसरे कंट्री के घूमते रहते हैं, हम उनको क्वेश्चन करके हटाते हैं। तो आप सुनिए, अगर अटैक होता है तो उसके पहले ही रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेज जो नेवी हर कंट्री की होती है 12 माइल के बाहर जाके खड़ी रहती है। Exactly. तो ये सबमरीन क्यों बना रहा है? उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी तक क्यों नहीं आगे आई थी, क्योंकि वो सी कंट्रोल, जो एयरक्राफ्ट कैरियर सी कंट्रोल करता है। स्थिति ये है कि सर, अभी तक की चीन की तैयारी ले या ताइवान की तैयारी ले, ताइवान इस धमकी को या इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकता है, इसीलिए वो भी अपनी तरफ से वॉर ड्रिल्स लगातार कर रहा है।